हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है एंड इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, तो यहाँ पे गाइस जो मीडिया है ये बताता है मीडियम। ऑलराइट, मीडियम। तो मीडियम का मतलब क्या है, तो जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसमिशन, यहाँ पे कोई चीज ट्रांसमिट होगी। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्रांसमिट करने वाले हैं, हम यहाँ पे डाटा का ट्रांसमिशन करने वाले हैं। मींस कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है गाइडेड मीडिया, ऑलराइट, एंड सेकंड है कौन सा है, अनगाइडेड मीडिया। तो वन बाय वन देखते हैं। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो गाइडेड मीडिया वो मीडियम होता है जो फिजिकली डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होके उनको क्या प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। जो फिजिकली कनेक्ट होता है कनेक्टर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू, उसे कहते हैं गाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं गाइडेड मीडिया के, जैसे कि यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, ये क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया। तो ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे कंप्यूटर के साथ हमें इसको फिजिकली अटैच करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। देन उसके बाद आता है ईथरनेट। ईथरनेट आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये भी ईथरनेट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस में डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कॉक्सियल केबल। सो ये सारी चीजों में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है इनमें, कॉमन इसमें ये है कि ये सारी चीजें फिजिकली कनेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है, ये हमारे डिवाइस के साथ क्या कैसे कनेक्ट होती है, फिजिकली हमें इसका वायर या केबल्स को क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो अब ये क्योंकि कैसे है, फिजिकल है, तो इसलिए इन्हें किस में रखा गया है, दीज आर नोन एज गाइडेड मीडिया। एंड सेकेंडली हम अगर बात करें तो अनगाइडेड मीडिया की, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, तो इसका भी बहुत ही सिंपल, यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ। गाइडेड मीडिया को आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, वायर्ड मीडिया, ऑलराइट, इसको आप वायर्ड मीडिया लिख सकते हैं। एंड अनगाइडेड मीडिया में आप लिख सकते हैं वायरलेस, वायरलेस मीडिया। समझ में आ रही है बात, तो हमारा जो गाइडेड मीडिया होता है वो वायर्ड होता है, एंड अनगाइडेड मीडिया जो होता है वो वायरलेस होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं सेलुलर नेटवर्क। अभी तो 5G भी आ चुका है, तो 3G, 4G, 5G, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेलुलर नेटवर्क। तो सेलुलर नेटवर्क कैसा है, अनगाइडेड मीडिया है, क्योंकि ये वायरलेसली कनेक्ट है। आप फोन पे लेक्चर देख रहे हो, ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सेलुलर नेटवर्क या फिर वाईफाई से होगा। तो है कैसा ये कनेक्ट कैसा है, वायरलेसली, तो वायरलेसली कनेक्ट है। इट मींस ये कौन से टाइप का मीडिया है, इट मींस इट इज द टाइप ऑफ मीडिया विच इज नोन एज अनगाइडेड मीडिया। उसके बाद सेकेंडली आता है वायरलेस लैन। अब ये वायरलेस लैन मतलब क्या होता है, तो हमने प्रीवियस के लेक्चर में देखा था लैन होता क्या है। तो बेसिकली लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें लिमिटेड डिवाइसेस हो। तो अब ये वायरलेस लैन मींस यहाँ पे क्या होता है, वाईफाई हो सकता है यहाँ पे। तो वाईफाई क्या है, वाईफाई हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। वाईफाई से क्या होता है, हम लोग उससे कई सारे लिमिटेड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनगाइडेड मीडिया का है। तो वाईफाई किसका एग्जाम्पल है, अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है। सिमिलरली हम ब्लूटूथ के लिए भी बोल सकते हैं, ब्लूटूथ भी क्या है, अनगाइडेड मीडिया है। आप अपने फोन से अपने फोन का डाटा अपने लैपटॉप पे भेज सकते हैं, या लैपटॉप का डाटा अपने फोन पे भेज सकते हैं, फोन का डाटा दूसरे फोन पे भेज सकते हैं। तो इट मींस क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइल शेयरिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, वायरलेसली हो रहा है। इट मींस वो किसका पार्ट है, अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है। देन उसके बाद आता है सैटेलाइट कनेक्शन। आप अपने घरों में टीवी देखते हो, तो टीवी में जो सारा डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है।
तो दैट इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट वाला हमारा आता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जैसे कि आप लोग यूज करते हैं टीवी, तो टीवी में क्या होता है, आप रिमोट से चैनल चेंज करते हैं या नहीं, है ना। तो वो जो चैनल आप चेंज करते हैं कैसे होता है, उसके अंदर एक आईआर सेंसर लगा हुआ होता है। तो वो सेंसर क्या करता है, इंफ्रारेड वेव्स में डील करता है, क्या करता है, इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करता है। तो वो भी कैसा है, अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है, बिकॉज वो वायरलेसली क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो दीज आर द थिंग्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।